राधाकुंडम वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय भक्त्याभिहीनाय अपराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृतामयि त्वं शरणं प्रथम वृन्दे नमस्ते जनार्दन यन्त्राभ्यजन्तमन्ते तमपे प्रतिष्ठम् पुत्रे तन्मयतया सर्वो विनेतु तं सर्वभूतहृदयम् निर्वामहे तवैवास्मि तवैवास्मि नमामि प्रयाति यज्ञाय राधे तं माम् आदि चतुर्थ में कृष्णदास का व्याख्यान राधा जी का जब महिमा वर्णन कर रहे हैं उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कृष्णदास का व्याख्यान चैतन्य चैतन्य भी है तुरंत पाए प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दैट प्रथम उन्होंने कहा था यदि अभक्त ऊँटों का देश में प्रवेश नहीं है तो सबको पाने में संकोच नहीं, इसलिए खोल कर के पाए। जिसके लिए मुझे संकोच हो रहा था यदि इसी में वो लोग ना प्रवेश करे तब भी भय की बात नहीं, इसलिए मैं संकोच छोड़ कर के पा रहा हूँ। इसमें ऊंट रूपी अभक्त लोगों को इसमें प्रवेश नहीं होगा, अभक्त लोगों को इसमें पर ही आनंद रहेगा। तो वो कृष्ण सोच रहे हैं वो इसकी व्याख्या हमने की थी कि टूर्नामेंट रूप कहे मोरे, कृष्ण विचार कर रहे हैं कि हमारे मन में एक बात है। जब लीला प्रकट किया तब पूर्णानंद पूर्ण रस रूप कहे मोरे, जितने भक्त लोग हैं तत्वविद हैं वो सब कहते हैं कि मैं पूर्ण आनंद और पूर्ण रस स्वरूप इट हैज टोल्ड इन ऑल epics and shastra that Krishna is
पूर्णानंद एंड पूर्ण हिज पूर्ण आनंद हिज फुल ऑफ आनंद एंड हिज फुल रश यू नो फुल मेलोज हमारे आनंदित है हमसे तो त्रिभुवानंद आनंदित होता है मुझे देख करके त्रिभुवन आनंदित होता है ऑल बर्ड्स बिकम हैप्पी टू सी और हमारे आनंद दिखे ऐसे कौन हमको कौन आनंद दे हमसे बढ़कर के कोई आनंद मैं आनंद भी हूं आनंद मैं भी हूं इसलिए हमको कोई त्री जगत में ऐसा नहीं जो हमको आनंदित हो सके देर आर नन इन दिस थ्री वर्ल्ड हु कैन गिव मी सो मच प्लेजर और आनंद देर इज मच डिफरेंस इन प्लेजर एंड आनंद प्लेजर इज सेल्फ सेल्फ प्लेजर एंड आनंद मीन्स टू प्लीज कृष्णा एंड बाय दैट रेमिनेंट टू बी प्लीज इज आनंद तो संसार में ऐसा कर देर इज नन इन दिस त्रिभुवन दैट हू कैन गिव मी है मेक मी है हमको कोई ऐसा जगत नहीं है जो हमारे से सब सब गुण अधिक गुण हो वो हमको आनंद दे सकता है मनी वन कैन मेक मी है दोस्त है लेस एंड लेस टाइम मोर क्वालिटी देन मी बट इन दिस वन दिस इज एब्सर्ड क्वाइट एब्सर्ड ऐसा सम्मान जो हमसे अधिक रूप हो क्योंकि न समस्या अधिकर्ष दृश्य थे इट हैज बीन टोल्ड इन ऑल वेदांत एंड एवरीवेयर इन उपनिषद ऑल्सो हमारे थे गुणी बड़ो जगत हमसे कोई बड़ा गुणी हो जाएगा ये जगत में ऐसा इट इज वेरी व्हाट रेयर दैट एनिमल बी सो मच क्वालिफाइड देन नथिंग देयर इज नन एकली राधा थे कोरियर में मैं अनुभव करता हूं कि एकमात्र श्रीमती राधिका जी ऐसी हैं जो हमसे सार्थक गुण अधिक गुण वाली ये तत्वदर्शी लोग जो हैं जिसको नहीं अनुभव करे लाख समझा करके हार जाऊंगे इसीलिए रसिक भक्त होगा तो ये समझ सकता है वो कहेंगे कृष्ण का अपमान है इसलिए कृष्ण को भागवत में भी कहा गया वदन्ति तत्व विदस्त तत्व जज ज्ञानम अद्वैत ब्रह्मेति परमात्मा ये कहा गया इसलिए कृष्ण से पढ़ता तो नहीं किंतु ये कहते हैं कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कृष्ण इज हिमसेल्फ टेलिंग इन हिज हार्ट दैट आई थिंक दैट ओनली श्रीमती राधिका इज ए पर्सनैलिटी इन विच लैक्स एंड लैक्स टैंड मोर क्वालिटी देन इन एनी वे इट हैज बीन नॉट किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया जिस प्रकार से यहां कहा कहीं भी नहीं लिखा केवल रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथों में ऐसा लिखा एनी है वेर इन अवर वेद उपनिषद शास्त्र नेवर इट हैज बीन टोल्ड आई थिंक दैट इन श्रीमद भागवत ओपनली इट हैज बीन नॉट टोल्ड एज इट टोल्ड इन चैतन्य चैतन्य सो विविडली इट इज क्लियर असमर्धमाधुरी जो शाम में नहीं जा मोर रूपे अपाई तो है त्रिभुवन राधार दर्शन वो जुड़ा है सो इसलिए सारा जगत हमारे रूप से और गुण से आप्यायित हो जाता है आप्यायित मैंने शत्रु उसे मुक्त हो जाते हैं क्योंकि हमारे रूप के समान और कोई रूप नहीं राधा दर्शन मोर चुड़ाए और राधा जी के दर्शन करने मात्र से मेरे भी नैन जुड़ा जाते एंड अनपैरेलल ब्यूटीफुल स्वीट रशीद एवरीथिंग बट होल वर्ल्ड is satisfied to see my
beautiful shape and quality. But I am never satisfied. I only satisfied to see Srimati Radhika. Then my heart and eyes become so much of the eyes go down. Jura. Then I think that my eyes are successful. My heart is successful. I am successful. So I think that Srimati Radhika is more beautiful than you. मोर बंसी गीते आकर्षित हूँ। जब मैं बंसी बजाता हूँ तो मेरे बंसी के ध्वनि से, मधुर ध्वनि से और हमारे रूप से त्रिभुवन आकर्षित हो जाता है। यहाँ तक कि नदियां जो चलने वाली हैं वो जड़ हो जाती हैं। वृक्ष जो जड़ हैं वो चेतन जैसा नीचे झुक जाते हैं। उनके आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती है और मृग लोग, हरिण लोग आदमी को देख करके भाग जाते हैं तो वहां कृष्ण के पास में आ जाते हैं। मोर नाचने लगते हैं, सारी प्रकृति उलट जाती है, उनका घर भी उलट जाती है। राधा वचन हरे अमार समान। किंतु जब राधा जी के वचनों को मैं सुनता हूँ, मधुर बोली को सुनता हूँ तो हमारा कान सार्थक हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। कान भी मैं बंसी बजाना छोड़ देता हूं। माई फ्लूट्स वॉइस इज सो स्वीट एंड चार्मफुल दैट होल वर्ल्ड चेंजेज हिज रिलीजन। चेतन बिकम्स अचेतन, कॉन्शियस बिकम इनर्ट एंड अचेतन बिकम्स चेतन। ट्रीज एट दैट टाइम पोज लाइक दोज वॉच मूविंग गिविंग फ्लावर्स ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। जमुना wants to feet touch the feet and to wash the feet of Krishna and give flowers on the whole. Sometimes she wants to embrace and so goes on. Sometimes she becomes like a snow. All things change their religions. But I change my all things to Srimati Radhika. When I hear the sweet voice of Srimati Radhika, I forget to play on flute. Yadyapi amar gandhe jagat sugandha, mor chitta prana hare radha ranga gandha. Yadyapi hamare gandh se jagat sugandhit ho jata hai. एक मृगनाभी के गंध से घर में रख लिया जाए तो ये सारा सुगंधित हो जाता है। तो लोगों में जहां जो कुछ सुगंध है फूलों में और कहां कहां इतरों में, वो सब कुछ सब कृष्ण के गंध से सुगंधित है। ऑल द फ्रेग्रेंट थिंग्स दे हैव फ्रेग्रेंट फ्रॉम माय बॉडी। The root of all fragrance, this my body is like. But when I become nearer to Srimati Radhika, then the fragrance of Radhika covers my fragrance, and his becomes sweet fragrance becomes more superior, and her fragrance comes in Krishna. Jatyapi amar rase jagat saras, jatyapi jagat hamare rase saras. Jagat mein jo kuch anand hai Krishna ke wajah se, Krishna ka isme jadi hamare sharir mein nahi rehte tab
आनंद कैसे कहां से संभव है? इधर जो कुछ जगत में आनंद है वो हमारे वजह से। इन दिस वर्ल्ड व्हाट वी फील हैप्पीनेस और एनीथिंग इट इज ड्यू टू कृष्ण दैट इज पार्टली इन द वर्ल्ड बड़ी लाइक साक्षी आ परमात्मा दैट इज वाई वी आर अदरवाइज नेवर हम लोग सुखी नहीं हो सकते। अभी अनुभूति नहीं हो रही है, समझते हैं कि अपने कर्तव्य से हम सुखी हो रहे हैं, किंतु ऐसा कृष्ण के वजह से। और यदि अनुभूति थोड़ी हो जाए तो सारे दुख दूर हो जाए और सब समय आनंदमय जीव हो जाए। इफ यू आर फीलिंग एनीथिंग हैप्पीनेस इन माई अवर बॉडी देन इट इज ड्यू टू कृष्ण हियर लाइक ए परमात्मा और साक्षी है। इफ कृष्ण इज नॉट हियर वी आर लाइक जीरो। जयात्मा समुप्रसिद्ध कृष्ण के वजह से। तो जगत तो कृष्ण से रस आनंदित होता है, राधा अधर रस हमार करेगा, किंतु श्रीमती राधिका जी का अधर रस हमें पागल बना देता है। यद्यपि अमार स्पर्श कोटिन दूषित सुश्रित जैसे कोई एक द्रव्य होता है जिसको थोड़ा सा भी दे देने से शरीर सुशीतल हो जाता है, और कोई एक चीज ऐसा है जिसको दे दिया जाए तो जाड़ों के दिनों में भी गर्मी लगेगी। कस्तूरी से तो गर्म कस्तूरी यू नो कस्तूरी मॉस्क मॉस्क इफ यू टेक इन इवन इन तांबू बैटलनाथ एवरी लिटल आई यू कैन गिव वन एनीफेयर लाइक दैट यूर बी सो हॉट योर बॉडी विल बी सो दैट इवन इन कोल्ड डे देर विल बी नो नीड ऑफ एनी एंड देर आर समथिंग क्या एक होता है जो एकदम शरीर को ठंडा बना देता है गर्मी ऐसी कोई बात नहीं। तो जितने भी जिस विश्व में है यद्यपि अमार स्पर्श कोटिन दूसरे से कोटि इंदु चंद्र के समान उससे भी अधिक सुशीतल है, किंतु राधा स्पर्श से मोरे करे सुशीतल किंतु मैं और भी सुशीतल हो जाता हूं राधा जी के दो आयन मोर पर्लल वर्ष शीतल कोल्ड कूल कूल बट व्हेन आई हैव ए टच ऑफ श्रीमती राधिका जी आई बिकम लेस लेस टाइम मोर कोल्ड इसलिए राधिका जी को पद्मा कहा जाता है। पद्मा की नारियां होती है गर्मी में ठंड ठंडा में उनका शीतल शीतल श्यामा 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 एक मत जगते सुखे हमी हेतु राधिका रूप गुण हमारा जगत इन दिस वे इस प्रकार से जगत का सुख का हेतु मैं हूं, किंतु राधिका जी हमारे रूप और गुण से हमारी जीवात्म मैंने प्राण है। दुआएं the most cause of all the happiness but Srimati Radhika is my life and soul इस प्रकार अनुभव हमारा इस प्रकार यही मत ये हमारा अनुभव है। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं विचार देखिए यदि सब यह तो हमारा अनुभव है, किंतु यदि विचार करे कोई करे यही पाय पर पॉइंट है विचार करने जो हमने ऊपर में ये कहा वो सब विपरीत हो जाता है। हमारे अंदर में कुछ है जो राधिका को भी पागल बना देता है, क्या चीज है मैं भी नहीं समझता। देर इज समथिंग इन मी एस्पेस व्हिच मेक्स मैड श्रीमती आई बिकम सो मच हैप्पी फील सो मच हैप्पी आई फील सो मच प्लेजर टू सी राधिका टू हियर राधिका
टू टच राधिका बट ये देर इज समथिंग आई डोंट बिकम मैड बट शी बिकम्स मैड वाई वाई देर इज समथिंग स्पेशल इन मी दैट मेक्स श्रीमती राधिका मैड एंड मैड and either I don't become mad. So there is something in me that is more than Srimati Radhika. और राधिका जी में वो चीज नहीं है जो हमारे अंदर में है कुछ है जो राधिका जी पागल हो जाती है राधा दर्शन मोर जुड़ा है अब फिर उसको ले आपके बता राधा दर्शन मोर जुड़ा है राजा जी के दर्शन करने से मेरे नेत्र सफल हो जाता है जुड़ा जाते हैं तुसी श्रीमती राधिका माय आईज बिकम सक्सेसफुल फील सो मच जॉय एंड एक्सेसिव एस्टीम प्लेजर राधा दर्शन है राधा सुखे आगवा किंतु राधा जी जो मेरा दर्शन करती हैं और राधा जी को हमसे अधिक सुख होता है क्यों बट फ्रेंड श्रीमती राधिका शी इज मी एंड शी टेस्ट माई स्वीट वॉइस इज वेरी ब्यूटिफुल अनपरलव ब्यूटी एंड माई स्वीट वॉइस एंड स्वीट Flute, sound. She becomes more mad. Why? Varasparanu gite, Venu gite, Haraye Chetan. Varaspar. Venu gite, Haraye Chetan. Radhika ji bolti hai, tab unko sunkar ke main bahut sukhi hota. किंतु राधिका जी हमारे बंसी की ध्वनि हमारे वचन को सुन करके उनका चेतन भी मूर्छित हो जाती है किंतु मैं नहीं होता तो राधिका जी से अधिक हमारे अंदर में कुछ खूबी है एक चीज एक खूबी क्या राधिका जी में है उसको बतलाया आस्वादन करती हैं किंतु आस्वादन करती हैं हमारे किस चीज को वो चीज हम में खूबी है रस है हमने रूप है कुछ रूप में कुछ माधुरता है मेरी बोली में मेरी माधुरी में वेणु माधुरी में कुछ है हमारे स्पर्श में कुछ ऐसा गुण है जो राधा जी को पागल बनाकर उनको अधिक सुखी बना देता है मोर हमें तमालेर परे मैं राधिका जी को देकर के पागल होकर के कदम्ब का आलिंगन नहीं करता किंतु राधा जी हमारे प्रेम में विभोर होकर के तमाल को कृष्ण समझ करके बावरी होकर के आलिंगन कर फैन आई सी श्रीमती राधिका आई बिकम सो हैप्पी बट आई नेवर बिकम्स सेंसलेस नेवर अष्टस्वात्विक विकार Not so hard, Pradeep, never easy. But when Srimati Radhika sees me, then Ashtasakti becomes so high. And she becomes mad. Sometimes senseless. And even if she sees a tamal tree, at that time so is senseless, that he cannot differentiate between tamal tree and Krishna. वो अलग अलग करने की उनकी नियुक्ति टमाल को देख करके उसके रंग को देख करके समझती हैं वृक्ष को जो ये श्याम है किंतु कृष्ण को ऐसा नहीं मति भ्रम राधिका जी को ये मति भ्रम हो जाता है व्हेन कृष्ण सीज श्रीमती राधिका ही नेवर बिकम्स मैड एंड ही नेवर Embraces a kadamba tree thinking that she sees it. Never think. Anywhere we cannot see. But Srimati Radhika, seeing my beautiful,
beauty and all this, she becomes mad and she becomes faint. And even she sees that, oh, Tamal tree is not Tamal tree, who is Krishna. And he is laughing and talking with me, so she becomes. Krishna Lingana Payu, Janam Safal. Then Srimati Radhika Ji kati hai, aaj hamara janam safal ho gaya hai, hansne lagti hai, shingar dharan karti hai, aaj samal ho gaya. Maine Krishna ka lingan kiya, Krishna se baat ki. Srimati Radhika at that time thinks, oh, I am so happy. And she becomes to smile that I am embracing Krishna. And she talks with tamal tree. But we cannot see in Krishna, that seeing the beauty of Radhika and hearing, he never becomes bad like this. Se sukhe magn rahe, vriksha paripal. Oh, vriksha ko hi godi mein lekar ke, aur kitne der tak achetan padi rehti hai. Anukul baate jadi, paaye moro gandha, air is coming from the side of Srimati Radhika and touches Krishna and comes in the nose of Krishna. No, Srimati Radhika. If she takes smell of the smell of the Krishna body, at once she becomes so mad. But Krishna never becomes like that. उड़िया पड़ी तेता है प्रेमे होया अंध एंड दैट एट दैट टाइम वो प्रेम में ऐसी हो जाती हैं अंधी हो जाती हैं जो उड़ करके उसमें पतंग की भांति चलना चाहती और मेरे लिए ये संभव नहीं है तांबूल चरित जब एक करे आस्वादन आनंद समुद्र मग्न किचू नहीं है कृष्ण राधिका जी के लिए अपना चरित तंबूल देते हैं और उसे खा लेती हैं। यदि कृष्ण देते हैं तो कृष्ण भारी आनंदित होते हैं और जहां राधिका जी उनका तंबूल लेकर के खाती हैं, बस एकदम आम उसमें एकदम आस्वादन चरित करे आस्वादन आनंद समुद्र मग्न की छू आनंद समुद्र में मग्न हो जाते और कुछ भी नहीं जानती जी मैं कहा Then Krishna anyhow gives his betel net choose by him and gives to Radhika. Radhika even touches on his tongue and he becomes senseless. Like you have heard that Sanatana Goswami and Rupa Goswami were in and Srimati Radhika cooked and told them to take a remnant of this and when they cook become bad. Radhe Radhe Krishna Krishna Divika. So Srimati Radhika even touched by his tongue and she becomes so mad. Ananda Samudra Magna Kichu Nya Jaya. Udhar Ne Jao. हमार संग में राधा पाए थे आनंद सतमुखे जदि कही नहीं पाई तो है श्री जबकि राधे राधे कृष्ण के समीप आती हैं तो राधिका जी को जो आनंद है मैं सतमुख से सैकड़ों मुख से यदि वर्णन करना चाहूं तो नहीं कर वैन शिवर तेरे राधिका कम्स टू मी एंड एसोसिएट At that time, how much Radhika feels happiness, I cannot tell it by lakhs and lakhs mouths. Never I can. Lilante sukh, sukhe yaji, angamadhuri, taande ki sukhe ami, apane pasai. Lila ke ant mein, milne ke baad mein, vilas ke ant mein, jab Srimati Radhika ji ka ang ki madhuri ko darshan karta hoon, दूर देकर के मैं आनंद में भर उठता मग्न फिर आई सी द ब्यूटिफुल
बड़ी अश्रीमती राधिका आफ्टर ही इज विथ मी एंड आई सी दैट शी इज सो मैड देर आर सम सिम्टम्स दैट आई कैन कैनॉट एक्सप्लेन इन लैक्स एंड लैक्स बस नेवर आई कैन सो हाउ श्रीमती राधिका फील्स हैप्पीनेस विथ मी आई कैन दोहार ये समरस भरत मुनि जाए भरत मुनि हमारे रूप गोस्वामी से बहुत पहले के हैं बहुत पहले ये भरत नहीं भरत राजा नहीं भरत के नाट्य शास्त्र है नाट्य शास्त्र में ये कलयुग के व्यक्ति हैं और हमारे वो भरत है सत्ययुग के ये नाट्य शास्त्र के प्रमाणिक व्यक्ति हैं जागृति के नाट्य समाज के तभी रूप गोस्वामी ने उनके बहुत से इसको लिया है उदाहरण के रूप तो वो कहते हैं नायिका 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 दोनों का सम और रस है बराबर और आनंद भी उनका बराबर है किंतु ये कहते हैं रूप गोस्वामी का विचार है उसके अनुसार में कृष्णदास कविराज गुरु हमार प्रज रस से हूं नहीं जाने कृष्ण क्या करें वो इस रस को नहीं जाने ब्रज रस को वो साधारण जगत के रस को कारण देयर इज अ वेरी हाई क्लास ऑफ पोएट ऑफ कामशास्त्र कामशास्त्र में कामशास्त्र एक शास्त्र है वर्ली रस शास्त्र ऑल कोट हिज बुक ऑल ऑल ओवर इंडिया इन संस्कृत He is a part. उसके प्रमाण है authentic person. Authentic person. Authority. Authority. But he is telling Krishna. He has not a touch of Vrindavan Braja Rasa. Never. He does not know anything. ABCD of Braja Rasa. Annan Sangame Ami Jata Sukha Paivi Tante Radha Sukh Sato Adhikai. But I told that both feel pleasure some equal. Beloved and loved, both. But Krishna is telling that he has not touched even Brajaras. It does stop with it. It does not know anything about Brajaras. I think that before Rupa Goswami, anyone had touched all these things about it. रूप गोस्वामी के पहले किसी ने भी इस जगत में इस सब का वर्णन नहीं किया तो हम दोनों में परस्पर में जो संघ में जो आनंद होता है हमसे भी आनंद होता है होना चाहिए पुरुष को आनंद अधिक किंतु होता है श्रीमती राधिका जी को लाखों कोटि गुण होता है ताम राधा सुख जतो अधिक है सतो अधिक है सत गुण उनको होता है इसलिए भक्त जी का वो विचार ठीक नहीं अब उसी के लिए उदाहरण दे रहे हैं For this is quoting some examples from Lalit Madhava. Srila Rupa Goswami is there. He has quoted two shlokas. उन्होंने दो श्लोक को उदाहरण दिया एक को उदाहरण दिया है जराधा जी को देख करके हमको कैसा आनंद और सुख होता है हमारे इंद्रियों में कैसे होता है आंख की क्या दशा होती है कान की दशा क्या होती है हृदय की क्या होती है हमारे शरीर की दशा क्या होती है ये सब और राधा जी हमें देख करके कितने आनंदित होती हैं उनका नयन हमारे रूप को आस्वादन कर कान उनके मधुर बोली को सुन करके और जीवा उनके अधर रस को आस्वादन करके क्योंकि ये तो देखना ये आनंद हो गए ये कोई राधा जी आस्वादन करके इतना आनंद होता है जो कृष्ण भी व्यक्त नहीं कर सकते इसी के लिए दो उदाहरण दिया राधा जी को देख करके कृष्ण को क्या होता है और कृष्ण को देख करके राधा जी को क्या होता है ये दोनों को उदाहरण दिया एक रस है रस को आस्वादन करने से कितना आनंद होता है उस पर विचार करता है यीशु एक कोई सुंदर रसाला बनाया उसमें चीनी है उसमें कुछ पानी दे दिया उसमें केवड़ा कुछ दे दिया
या उस रस में आम का सेंट कुछ दे दिया, उसमें और कुछ दे दिया, बहुत ही सुंदर रस बन जाता है। तो कृष्ण मानवीय रस स्वरूप है और एक राधा जी हैं, उनका रस है, दो रस हैं। पीने वाले एक को पी रहे हैं कृष्ण राधा रस को, और कृष्ण रस को पी रही हैं राधा जी। अब ये दोनों की तुलना देकर के ये बतला रहे हैं, देयर आर टू रस, कृष्ण इज वन एंड सेकंड इज श्रीमती राधा। टेस्टर आर टू, नहीं ऐसा मत सोचो, विषय को दोनों को मान लो, कृष्ण को भी विषय रस मान लो और राधा जी को विषय रस मान लो, और कृष्ण उनका आस्वादन कर रहे हैं ये आशय बन करके, और राधा जी आशय बन करके उसको कर, अब तब विचार करके ये बनता है। कृष्ण इज वन रस एंड श्रीमती राधिका इज नॉट, देयर आर टू टेस्टर, वन कृष्ण एंड श्रीमती राधिका इज नॉट, हु feels more happiness. So here he is telling Krishna, by comparison, Krishna Das Kaviraj Goswami is quoting to prove this thing. Nidhurta Nidhuta Amrita Madhuri Paramala Kalyani Bimbadharo Vaktram Pankajasaurabham कुहुरुत श्लाघ भी विधंते गिर अंगम चंदन शीतलं तनुरियं सौंदर्य सर्वसत्वात् तमासाद्य मम इदं इंद्रियकुलं राधे मोर मोदते। अरे गाते ले जाओ, सबको डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब न करो। पहले दिखला रहे हैं ये कल्याणी, हे कल्याणी, कृष्ण बतला रहे हैं पहले, हे कल्याणी श्रीमती राधिके, बिंब फल की भांति रक्त वर्ण तुम्हारा अदर अमृते माधुरी और परिमल, परिमल को भी सुगंध को भी पराजित कर रही है। तुम्हारा बदन पद्म गंध की भांति सुगंध से युक्त है, तुम्हारे वाक्य कोकुल की ध्वनि को भी गर्व को खर्च करने वाली, तुम्हारा अंग चंदन से भी सुशीतल है, तुम्हारा तन सौंदर्य सर्व सौभाग्य सर्व सौंदर्य का आधार है, हे राधे तुमको तुमको मैं प्राप्त होकर हमारी इंद्रियां मोहर मोहर हर्ष युक्त हो रही। यहां पर राधा जी के अधर पान से कृष्ण का की रसना मुख से सुगंध, मुख के सुगंध से नासिका, वाक्य के श्रवण से कर्ण, अंग के स्पर्श से त्वचा, अंग सौंदर्य के दर्शन से चक्षु आनंदित हो रही है कृष्ण की। ऐसे राधा जी की जय जय, कृष्ण आनंदित हो रहे हैं राधा जी को देखकर। हियर ही इज टेलिंग दैट वंस श्रीमती राधिका वाज नियर टू कृष्ण एंड कृष्ण टच्ड एंड सॉ एंड हर्ड कृष्ण वॉइस एंड ही इज टेलिंग ओ राधिके आई एम टचिंग यू एंड हियरिंग योर वर्ड्स एंड टेस्टिंग योर सुगंध फ्रेग्रेंस एंड आई बिकम सो हैप्पी, आई कैन नॉट टेल हाउ बिग आई बिकम हैप्पी, कितना माने आनंद नहीं कह सकता। तुम्हारी जय हो, यहां राधिका जी को बतला रहे हैं कि तुम्हारे इसको देखकर के मुझे आनंदित होता है। आप फिर दूसरे श्लोक में करते हैं, रूपे कंस हर्ष लुब्धानयन स्पर्शय अतिहृष्य त्वचम पाण्डामुत्कलित सुटिं परिमले संहृष्ट नाशापुटान
आर्जाद्र रसना किलादर कूटे नंचन मुखोन भोरुहा दंभोदीर्ण महाधृति बहिरपि प्रोद्दिकारा विकुलम बैकाराकुलम। अब ये राधा जी कृष्ण को देख करके अब यहाँ पर कर रहे हैं। पहले कृष्ण ने देखा राधा जी को और देख करके बड़े आनंदित हुए। बस यहीं तक आनंद होना प्रेम तक की बात है। किंतु राधा जी कृष्ण को देखते हैं तो उनको महाभाव के जो लक्षण है वो उनमें दिखते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण के दर्शन से राधा जी की आंखें, स्पर्श से त्वचा और वाक्य से कर्ण और अंगगत से नासिका और कृष्ण के अधर से राधिका जी की रचना इतनी आनंदित होती है कि लज्जा से औनक मस्तक करके कुछ बोल नहीं पाती। कृष्ण तो कहते हैं कि तुमको देखकर के बड़ा आनंदित हुआ, इसलिए उनका भी होश आवास है और राधिका जी का इतना भाव ऊंचा उठ गया देख करके कृष्ण को राधिका जी को, जो कृष्ण तक भी देख करके नहीं बतला सकते हैं जो उनको कितना आनंद हुआ। अष्ट सात्विक भावों की चरम दशा तक पहुंच गई और उसका एक लक्षण है जो वो स्तंभ स्वय रोमांच अश्रु पुलक वैवर्ण और मूर्छा। कृष्ण को यह नहीं, कृष्ण बातचीत कर रहे हैं, राधिका जी बात नहीं कर सकते, इसलिए उनको महाभाव की स्थिति हुई। कृष्ण इज टचिंग श्रीमती राधिका, ही सिंग बाय हिज आईज, ही टचिंग ऑल दीज थिंग्स बट ही नेवर बिकम्स इन ए स्टेज ऑफ महाभाव एंड ही नेवर हैड सो हाई क्लासेस ऑफ अष्टसात्विक मोड्स, ही नेवर बिकम्स फेंट nor he becomes not like a tree but Srimati Radhika, she feels, she becomes senseless and all ashti sattvic bhav modes in the highest of like prajvalit. So Krishna cannot decide how much happy feels Srimati Radhika that she becomes senseless. How, what is this? That thing is in me. And there is a thing in Radhika that he tastes and that is Mahabhava in Radhika. But I have all these qualities. Anything very special in my beauty, Venu, Venu Madhuri, Gun Madhuri and all that. अमित राधा पाई जी जाती है सुख तहां आस्वादित अमी सर्वदा। इसलिए राधिका जी हमको देख करके जितना आनंदित होती है मैं उतना आनंदित होना चाहता हूं किंतु नहीं हो पाता, इसलिए हमारे अंदर विवश है। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी लाइक श्रीमती राधिका, आई वॉन्ट टू बी फेल, आई वॉन्ट टू बी लाइक ए ट्री। जड़ का क्या मतलब? इनर्ट। आई वॉन्ट टू बी बट आई नेवर बिकम लाइक दिस। नाना जत्न कयामी नहीं आस्वादिते से सुख माधुर्य घ्राणे लोभ बढ़े चित्ते रस आश्रित हमें कैद अवतार प्रेम रस आस्वादित विविध प्रकार राग बारे भक्ति भक्त भक्ति करे जित प्रकार तहां सिखाई थे लीला आचरण। सो आई वॉन्ट टू टेस्ट, मैं वही आस्वादन करना चाहता हूं जो राधिका जी आस्वादन करती है हमारे लिए, किंतु मैं नहीं कर पाता। इसलिए वो क्या चीज हमारे अंदर में स्पेशल है और राधिका जी क्यों करती हैं? क्योंकि उनको महाभाव है, कृष्ण में महाभाव नहीं है, इसलिए महाभाव की दृष्टि लेकर के हृदय लेकर के तब ये समझ सकते हैं। श्रीमती राधिका टेस्ट बिकॉज सी हैज महाभाव, शी कैन टेस्ट। कृष्ण हैज नो महाभाव टू टेस्ट, सो ही वॉन्ट्स टू टेक द महाभाव ऑफ श्रीमती राधिका टू टेस्ट हिमसेल्फ, हिज ब्यूटी
his throat voice, his all quality. That is why Krishna came in the shape of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So here is the glory of Radhika and some glory also of Krishna. What are they? Sri Chaitanya Mahaprabhu came to sprinkle his mercy to show Jiva the Ragmarga. Without Ragmarga any? What is the Ragmarga? Sadhanam Ragmarga. That is the Raganugamarga. And by this he is sprinkled his mercy. Gaur Premanande. This is a cell. You just wouldn't believe how small this room is, and there's like three devotees in it. It's just really hard to believe that anybody could be in such a small. Now you can see yourself. It's a little hard.